Hello everyone, myself Akanksha Sumani. I'm a chartered accountant and a faculty member at Navkar Institute. Today I'm going to tell you a story, and kyunki mujhe kahaniyan sunana bahut acha lagta hai, that's why people call me a storyteller as well. Aaj ki jo meri kahani hai wo hai one of the most profound and prominent professor jo India mein hue hain, jinki neeti aaj bhi bade bade business models follow karte hain. I'm going to talk about Chanakya. तो फ्रेंड्स, एक जमाने में मगध राज हुआ करता था, जहां के एक राजा थे धनानंद. धनानंद वॉज नॉट ए गुड किंग. तो चाणक्य धनानंद के दरबार में जाते हैं और उन्हें बोलते हैं कि आप जो भी टैक्स कलेक्ट कर रहे हो लोगों का, वो टैक्स लोगों के बेनिफिट के लिए यूज होना चाहिए. और चाणक्य उनको अवेयर करवाना चाहते थे अबाउट सिकंदर. बट धनानंद ने चाणक्य को नहीं सुना, एंड धनानंद ने चाणक्य की इंसल्ट कर दी थी इन दैट दरबार. और उसके कारण चाणक्य ने रेजोल्यूशन लिया था कि इंडिया को मुझे अखंड करना है और इंडिया को मुझे ऐसे पर्सन के द्वारा रूल कराना है जो एलिजिबल हो. ही ऑलवेज वांटेड दैट किंगडम शुड बी रूल्ड बाय एलिजिबल पर्सन. इसके लिए चाणक्य ने रेजोल्यूशन लिया था उस दरबार से निकलते वक्त. और चाणक्य को मिलता है चंद्रगुप्त मौर्य, हु वाज जस्ट 17 ईयर्स ओल्ड. चाणक्य ने डिसाइड कर लिया था कि इस पर्सन को मैं इंडिया का राजा बनाऊंगा और भारत को अखंड बनाऊंगा. उस 17 साल के लड़के के साथ चाणक्य ने अपनी जर्नी शुरू की थी, एंड द जर्नी वॉज नेवर इजी. ऐसे पर्सन को चूज करना जिसे नॉलेज ना हो लड़ाई कैसे करनी है, रूल कैसे करना है, विदाउट एनी रिसोर्सेज. चाणक्य बहुत रिच पर्सन नहीं था, बट चाणक्य वॉज वेरी 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 शार्प माइंडेड पर्सन, बहुत ही बुद्धिमान. सबसे ज्यादा बुद्धिमान अगर किसी को माना गया है तो वो चाणक्य को. तो चाणक्य ने ऐसी क्या स्ट्रेटजीज यूज की जिसके थ्रू उन्होंने विदाउट रिसोर्सेज, विदाउट मच थिंग्स, दे ही गॉट सक्सेसफुल इन हिज एंडेवर. उसने जो डिसाइड किया था, चाणक्य ने जो डिसाइड किया था उसको पाने में वो कैसे सक्सेसफुल रहे, तो लेट अस अंडरस्टैंड हिज सक्सेस स्ट्रेटजीज टू मेक चंद्रगुप्त द किंग ऑफ यूनाइटेड इंडिया, अनडिवाइडेड इंडिया. जो फर्स्ट स्ट्रेटेजी थी चाणक्य की, सबसे पहले चाणक्य ने चंद्रगुप्त को ट्रेनिंग दी थी, बहुत ट्रेनिंग दी थी. चाणक्य एक साधु वेश में जाते थे सब जगह और लोगों को एनकरेज करते थे टू ज्वाइन चंद्रगुप्त, ताकि उनकी एक सेना बने. इट वॉज नॉट जो जीता वही सिकंदर, इट वॉज जो जीता वही चंद्रगुप्त. चाणक्य ने इतनी अच्छी अच्छी ट्रिक्स बताई थी चंद्रगुप्त को कि कैसे एनिमी को हराया जाए, कैसे वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट किए जाए, कैसे उनका कॉन्फिडेंस तोड़ा जाए. अगर आप सामने वाले पर्सन का कॉन्फिडेंस तोड़ देते हो तो यू हैव हाफ वन द बैटल, आप आधा युद्ध वहीं जीत जाते हो. तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त को इतना ट्रेन तो कर दिया था कि चंद्रगुप्त ने सिकंदर को सारे के सारे युद्ध में हरा दिया था. पर उसके बाद चाणक्य को अपना रेजोल्यूशन याद आया धनानंद वाला, और उसके बाद चाणक्य और चंद्रगुप्त डायरेक्ट मगध पर हमला करने चले जाते हैं, जो भी उनके पास सैनिक होते हैं उसके साथ. बट इन दैट पर्टिकुलर फाइट, इन दैट पर्टिकुलर बैटल, उन लोगों की हार हो जाती है. एंड दैट वॉज द पॉइंट, तब चाणक्य को एक चीज रियलाइज होती है थ्रू हिज मदर. चाणक्य जब घर पहुंचते हैं और घर पे उनकी मॉम उनके भाई को खिचड़ी देती है, गरम खिचड़ी. उनका भाई जब खिचड़ी के सेंटर में हाथ डालता है, दिस इज द प्लेट एंड दिस इज द खिचड़ी. उनका भाई जब सेंटर में खिचड़ी में हाथ डालता है तो उनकी मॉम ये कहती है कि तुम भी चाणक्य की जैसे मूर्ख हो, तुम भी चाणक्य की जैसे मूर्ख हो. ऐसा क्यों कहा चाणक्य की माँ ने चाणक्य के लिए ऐसा, जो इतने बुद्धिमान थे. तो वहां पे उनका कहना ये था कि जब इतनी गर्म खिचड़ी में हाथ डालोगे तो हाथ तो जलेगा ही, तुमको क्या करना चाहिए, साइड साइड से थोड़ा 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 करके खाना चाहिए, ताकि जब तुम सेंटर तक पहुंचो तो खिचड़ी ठंडी हो जाए और तुम उसे खा पाओ. और चाणक्य को रियलाइज हो गया कि उन्होंने मिस्टेक कहाँ की थी, और उसके बाद उन्होंने मगध राज्य के वीक पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए थे, ऐसी जगह आइडेंटिफाई की थी जहां पे वो लोग इजीली जीत पाए छोटे छोटे पॉइंट्स को, ताकि जब वो मगध नरेश पर हमला करने जाए
तो वो खिचड़ी ठंडी हो जाए और वो उस बैटल को जीत पाए। सो दैट वॉज द फर्स्ट स्ट्रेटेजी, जो फर्स्ट लेसन चाणक्य ने हमको दिया। अभी मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बोलना चाहूंगी यही चीज, आपका गोल है चाहे जो भी आपके एग्जामिनेशन है, आइदर इट इज फाउंडेशन और इट इज इंटर और इट इज CA final or it is professional or you are at any level, आप किसी भी level पे हो, whether it is any level, अगर आप direct हमला करने जाओगे कि चलो direct exam देने चलते हैं तो हाथ जल जाएंगे, तो आपको result नहीं मिलेगा। Make sure, prepare each subject well, prepare each topic well, prepare each concept well, सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करो, सब्जेक्ट से पहले चैप्टर्स प्रिपेयर करो, चैप्टर से पहले एक एक कॉन्सेप्ट प्रिपेयर करो, एक एक प्रोविजन प्रिपेयर करो, तब जाकर डायरेक्ट एग्जामिनेशन तक जब आप पहुंचोगे तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। तो ये हमारे लिए लाइफ लेसन है, ये स्ट्रेटेजी आपके लिए इन द स्टूडेंट्स लाइफ, दिस स्ट्रेटेजी इज गोइंग टू वर्क, कोई और स्ट्रेटेजी वर्क नहीं करेगी। If you are thinking you are going to attack directly, आप directly attack करने वाले हो तो आपको success नहीं मिलेगी, no matter how powerful you are, no matter how intelligent you are, how excellent you are. So make sure the first thing that we are going to learn from this is divide goal, subjects, chapter, topics, इस तरह से आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए, स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे धीरे। जब ये एक्यूमुलेट हो जाएगा, जब आप सब्जेक्ट तक पहुंच जाओगे, देन यू कैन अटैक ऑन द एग्जामिनेशन एंड देन यू आर गोइंग टू सक्सीड फॉर श्योर। तो आई होप आपको ये स्ट्रेटेजी अच्छी लगी और आप अपनी लाइफ में इस स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करेंगे। सेकेंड थिंग, जो फर्स्ट से ही बेस्ड है, फर्स्ट लेसन से ही, जो गलती चाणक्य ने की थी वो ये था कि लॉन्च एंड टेस्ट, पहले ही प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया और बाद में टेस्टिंग किया कि ये तो वर्किंग, ये वर्क करेगा या नहीं करेगा। सबसे पहले खुद को टेस्ट करो, जितने एग्जाम्स दे पाओ उतने एग्जाम्स दो, ताकि जब आप फाइनली लॉन्चिंग स्टेज पे पहुंचो तब आप कॉन्फिडेंट हो जाओ, तब आपको इतना प्रैक्टिस हो जाए कि हारने का सवाल ही ना उठे। तो जो चाणक्य ने गलती की थी, पहले लॉन्च कर लिया था और उसके बाद रियलाइज किया कि हम हार गए, उसको उन्होंने ऑपोजिट किया और उन्होंने ये स्ट्रेटेजी अपनाई कि पहले हम टेस्ट करेंगे। चाणक्य ने स्मॉल स्मॉल ग्रुप्स बनाए, उन लोगों को ऐसे टारगेट्स देते थे, ऐसे छोटी छोटी डिफिकल्ट टास्क देते थे करने को, ताकि जब एक्चुअल युद्ध का दिन आए तो वो लोग हार ना जाए, वो लोग गिव अप ना कर दे, वो लोग अंडर कॉन्फिडेंट ना हो जाए। तो सेकेंड थिंग, उससे भी हम सीख सकते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दें, ताकि जब हमारी लॉन्चिंग स्टेज मतलब क्या, आपका एग्जामिनेशन जब आए तो आप उसको अच्छे से अटेंड कर पाए, कॉन्फिडेंटली कर पाए और आप उस पर गिव अप ना करें। आप ये ना सोचे कि ये हमसे ना हो पाएगा, कि तुमसे हो पाएगा अगर तुम टेस्ट दे रहे हो बार बार। तो थर्ड स्ट्रेटेजी जो चाणक्य की थी चंद्रगुप्त को जिताने के लिए, वो ये था कि चाणक्य हमेशा वीकनेस पे ध्यान रखते थे। चाणक्य हमेशा बोलते थे कि हमें पता होना चाहिए हमारी वीकनेस क्या है और सामने वाले पर्सन की वीकनेस क्या है, और उसके लिए वो क्या करते थे, उसके लिए वो जासूस रखते थे जो आकर चाणक्य को बताते थे कि दुश्मन का क्या प्लान है, क्या वीकनेस है। पर चाणक्य एक स्टेप आगे चलते थे, वो उन जासूसों की भी जासूसी करवाते थे। मतलब जो भी पर्सन नॉलेज लेने जा रहा है या खबर लेने जा रहा है या सीक्रेट्स लेने जा रहा है, उस पर्सन की भी जासूसी करवाते थे। मतलब चाणक्य ऑलवेज यूज टू हैव अ डबल चेक ओवर एवरीथिंग, डबल चेक करके रखते थे, क्योंकि चाणक्य का ये मानना था कि हमारे आसपास अच्छे लोग होने चाहिए, ट्रस्टवर्दी पीपल होने चाहिए, तभी हम स्ट्रांग बन पाएंगे। और यहाँ पे डबल चेक का मीनिंग क्या है, आप लोगों की स्टूडेंट लाइफ में अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे आपके लिए है, आप रिविजन करो, फर्स्ट रिविजन आपकी फर्स्ट जासूसी है, ताकि आपको पता चल जाए कि आपकी वीकनेस क्या है। सेकेंड इज रिविजन का भी रिविजन करो, री रिविजन, तब जाकर आप में वो कॉन्फिडेंस आएगा कि नाउ आई एम स्ट्रांग इनफ, नाउ आई एम कैपेबल इनफ।
सो डबल चेक ऑफ एवरीथिंग, ये था चाणक्य का एक और स्ट्रेटेजी कि जासूस की जासूसी कौन करवाता है, बट ही वॉज वेरी माइंडफुल ऑफ एवरी स्टेप. चाणक्य वॉज वेरी क्लेवर, उन्हें पता होता था कि बहुत सारे ऐसे लोग होते थे जो आपको ही डाउन कर दे, आपको ही हरा दे, और वो आप ही के आसपास होंगे. सो सिमिलरली हमारी भी बहुत सारी ऐसी वीकनेस होती है जो हमको हरा देगी. तो द थिंग इज दैट रिविजन करो, पहले रिविजन में वीकनेस आइडेंटिफाई करो, दूसरे रिविजन में उस वीकनेस को खत्म कर दो. सो मेक श्योर री रिविजन शुड बी द टारगेट. ऐसा नहीं कि मैंने एक बार पढ़ लिया एंड दैट्स इट. एक बार पढ़ के अगर आप अपने गोल के लिए जा रहे हो तो हो सकता है कि लड़खड़ा जाओ, लकीली जीत भी जाओ, पर चांसेस आर लेस. रिविजन करके जा रहे हो और फिर ना जीतो तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू आर अवेयर दैट यू आर स्ट्रांग इनफ एंड यू कैन बीट एनी बैटल. एक और एडवाइस जो चाणक्य ने चंद्रगुप्त को दी थी वो ये थी, आस्क फ्रॉम एक्सपर्ट्स. हमेशा जो भी आपको सीखना है वो हमेशा आप उस पर्टिकुलर चीज के एक्सपर्ट से आप हमेशा पूछें. अगर आपको वेट लूज करना है और आप किसी पतले पर्सन से जाकर एडवाइस ले रहे हैं तो यू आर रॉन्ग. यू शुड आस्क समवन हु एक्चुअली लूज द वेट, जिसने एक्चुअली वेट लूज किया हो, उस पर्सन से जाकर पूछोगे तभी आप सही रास्ते पर जा पाओगे. सिमिलर वे जो भी आपकी वीकनेस है, ऑलवेज मेक श्योर यू आर आस्किंग द हेल्प फ्रॉम द राइट पर्सन, आस्क फ्रॉम द एक्सपर्ट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर फील्ड, नॉट फ्रॉम एनीवन एल्स. दैट इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर एकेडेमिक फील्ड एज वेल. मुझे ऐसा लगता है कि चाणक्य की ये नीति आपके स्टूडेंट लाइफ में बहुत हेल्पफुल रहेगी इफ यू इम्प्लीमेंट देम इन रियल. आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो. स्टे कनेक्टेड and keep visiting this channel. You will find many of such stories to listen and learn things from. Thank you everyone. If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.